हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा न्यू सॉन्ग आ चुका है जिसका नाम है मैना रानी मनमा वसीरे, जो गुजराती सॉन्ग है जिग्नेश कविराज का। तो आज ये सॉन्ग हम पूरा प्ले करने वाले हैं। ये सबसे पहले म्यूजिक के लेकर बीच वाली लाइन तक पूरा हम प्ले करेंगे। ओके, तो ये वीडियो पूरी अंत तक देखते रहना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी न्यू गुजराती हिंदी कोई भी न्यू सॉन्ग आता है तो हम उसकी पियानो ट्यूटोरियल सबसे पहले करते हैं। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो म्यूजिक है तो वो ऐसे प्ले होता है, देखो। ओके, ये सबसे पहला वाला म्यूजिक है, तो हम इसे स्लो में देख लेते हैं, देखो। ओके, ये म्यूजिक है। उसके बाद गाने की लाइन स्टार्ट होती है, तो वो गाने की लाइन पहली दो लाइन है वो बिल्कुल ही सेम प्ले होती है। ओके, और बिल्कुल मेन लाइन की तरह ही प्ले होती है। तो देखो हम कैसे प्ले करते हैं। ओके, तो ये हमारे दो लाइन है, तो हम इसे स्लो में देखते हैं, देखो। फिर से रिपीट कर देना है, दो बार प्ले करना है। ओके, तो देखो। ओके, अब उसके बाद आगे जाना है, आगे की उसके बाद वाले दो लाइन बिल्कुल ही सेम है, इस दो लाइन से अब आगे जाना है, और वो दो लाइन बिल्कुल ही सेम प्ले होते हैं, देखो। ओके, तो चलो हम इसे अब स्लो में देखते हैं, देखो। ओके, अब फिर से गाने की जो सबसे पहले दो लाइन थी वो ही प्ले होगी जो गाने की मेन लाइन भी है, तो वो फिर से मैं बजा लेता हूँ। अब मैं स्लो में नहीं सिखाऊंगा, वो पहले मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, तो देखो। ओके, तो ये मेन लाइन दो बार प्ले होती है, तो ये आप समझ लेना। ओके, अब आगे की बीच वाले के लाइन पे जाते हैं, तो बीच वाले लाइन कैसे प्ले होती है, तो बीच वाले लाइन जो चार लाइन है, बीच वाली चार लाइन वो बिल्कुल ही सिमिलर प्ले होती है, एक ही लाइन है पर चार बार आपको प्ले करना है। ओके, तो देखो। ओके, फिर थोड़ी देर रुक जाना है, फिर से ये लाइन प्ले करनी है, तो टोटल आपको ये चार बार करनी है। तो पहले स्लो में देख लेते हैं कि ये कैसे प्ले होता है, देखो। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ चुका है, ये टोटल चार लाइन चार बार प्ले करनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ओके, अब फिर से हमारी जो पहले वाली लाइन थी जो ऐसी प्ले होती थी। ओके, तो वो वाली लाइन अब प्ले करनी है दो बार, तो वो हम स्लो में देख लेते हैं फिर से। ओके, और फिर से
गाने की मेन लाइन अब आ जाती है, तो वो कैसे प्ले होती थी? ओके, तो गाने की मेन लाइन अब स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर से प्ले करना है। तो ये मैंने अभी तक टोटल के टोटल मैंने पूरा गाना आपको सिखा दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि कोई भी न्यू सॉन्ग आता है तो हम उसकी पियानो ट्यूटोरियल सबसे पहले करते हैं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।